सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ Redmi 9 Prime ऑटो वॉलपेपर चेंज सेटिंग के बारे में। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरे पास Redmi 9 Prime का स्मार्टफोन है और इस फोन में जैसे ही मैं यहाँ पे लॉक और अनलॉक कर रहा हूँ तो हर बार मुझे एक नया वॉलपेपर यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप लोगों के पास भी एक Redmi 9 Prime का स्मार्टफोन है और आपके फ़ोन में ये जो है यहाँ पे सेटिंग इनेबल नहीं है, आप लोगों के फ़ोन में ये जो है इस तरीके के वॉलपेपर चेंज नहीं हो रहे हैं फ़ोन को लॉक और अनलॉक करने पर, तो आप लोगों को मैं बताऊंगा कि आप लोग अपने फोन में ये सेटिंग कैसे इनेबल कर सकते हैं। तो फ्रेंड, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपने भाई का नाम जान लीजिए। मेरा नाम है सोनू कुशवाहा और आप सभी लोगों का हमारे इस टेक टेक्निकल एज के चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का। सो फ्रेंड, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये मेरा फ़ोन है और मैं इस फ़ोन को जैसे ही अनलॉक और लॉक और अनलॉक कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे कोई भी अभी वॉलपेपर चेंज नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे जैसे पहले सेटिंग थी वैसे कर ली है। तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ इसी तरीके से जो है प्रॉब्लम आ रही होगी, तो यहाँ पे ये मान लीजिए मुझे एक प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे मैं इसमें जो है ऑटो वॉलपेपर चेंज सेटिंग को इनेबल करना चाहता हूँ, जहाँ पे मैं अपने फ़ोन को जितने बार भी लॉक और अनलॉक करूँ तो मुझे हर बार एक नया वॉलपेपर चेंज होने के लिए मिल जाए। तो इसके लिए आप लोगों को करना क्या होगा, यहाँ पे इसको जो है आप लोगों को जो है अनलॉक करना होगा और यहाँ पे आप लोगों को एक सेटिंग वाला आइकन मिलेगा। तो यहाँ पे ये सेटिंग वाला आइकन आप लोग देख लीजिए कहाँ पे है। तो फ्रेंड, यहाँ पे आप लोगों को कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आप लोगों को नीचे साइड में आना होगा और एक ऑप्शन मिलेगा लॉक स्क्रीन का, इस ऑप्शन पे आप लोगों को क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को नीचे आना होगा और यहाँ पे देख सकते हैं ग्लैंस फॉर MI, ये जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, इस ऑप्शन पे आप लोगों को यहाँ पे जो है टिक करना होगा, मतलब क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ पे ये ऑप्शन आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा, टर्न ऑन वॉलपेपर कर्सर। तो यहाँ पे इस ऑप्शन को आप लोगों को इनेबल कर देना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे आप लोगों को ये अपडेट वॉलपेपर यूजिंग मोबाइल डाटा, इसको भी इनेबल कर देना होगा, जिससे क्या होगा कि आपके फोन में जब भी कोई वॉलपेपर का अपडेट आएगा तो यहाँ पे आप लोगों को हर बार एक नया वॉलपेपर जो है डाउनलोड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और इसके बाद यहाँ पे जितने भी जो अपडेट में वॉलपेपर आएंगे वो डाउनलोड हो जाएंगे और इसके बाद वो वॉलपेपर हर बार जो है लॉक और अनलॉक करने पर आ जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है ग्लैंस इमेज, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये जो है सारे के सारे इमेज यहाँ पे आते हैं, ये सारे मैंने फॉलो करके रखे हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो है ग्लैंस फोटो गैलरी फोटो, यहाँ पे आप लोग गैलरी को अलाउ करके यहाँ पे आप लोग जितने भी जो फोटो हैं वो आप लोग ऑटो वॉलपेपर चेंज सेटिंग पे लगा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे मैं ये वाला वॉलपेपर लगा देता हूँ, इसको इनेबल करता हूँ और मतलब राइट करता हूँ और इसके बाद मैं अपने फ़ोन को जो है एक बार लॉक करता हूँ और अनलॉक करता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं मेरे पास जो है वॉलपेपर फिर से चेंज होना शुरू हो गए हैं। इस तरीके से आप लोग Redmi 9 Prime के स्मार्टफोन में ये सेटिंग को इनेबल कर सकते हैं और आप लोग जैसे ही अपने फ़ोन को लॉक और अनलॉक करेंगे तो आप लोग को हर बार एक नया वॉलपेपर चेंज होकर मिलेगा। तो फ्रेंड, यही थी आज की वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो जरूर से लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बगल में एक बेल आइकन आ जाएगा उसे जरूर से प्रेस कर लेना, जो कि मैं जब भी इस तरह की वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत से आप लोगों को मिल जाए। तो गाइस, अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। टेक केयर, बाय।